हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ रिव्यू। कैसे हैं आप सब? हम आपके होस्ट हैं। मैं हुदवा। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो कॉफी टाइम बाद अब हम लोग शूट कर रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे हम लोग वीडियो बनाने होती है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट करा होती है या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो ट्रेंडिंग में होती है, तो पहले उस पे रिएक्ट कर दो, भाई ये बाद में बन जाएगी। तो आज हम उस पे वीडियो बनाने गए, ये फिल्म फेयर हाँ, उसका अवार्ड शो है, ठीक है, जो दुबई में हुआ था, और वहाँ इंडिया के भी, यहाँ के भी ना, पाकिस्तानी भी एक्टर एक्ट्रेस मतलब सब गए हुए थे, उनको अवार्ड मिला है। हमारे भी दो तीन एक्टर ऐसे हैं, एक एक्ट्रेस हैं और दो एक्टर हैं। हुमायूं सईद सज्जल और फहद मुस्तफा, सज्जल और हुमायूं सईद का हमने क्लिप निकाला है, तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे। बाकी हमारे भी जो है आई डिस्क्रीन का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग हमें वहाँ भी फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा लंबी बात नहीं करते, ऑलरेडी मैं बहुत लंबी कर चुकी हूँ। Good evening. Thank you, Filmfare Middle East. इस इज्जत के लिए 25 साल से काम कर रहा हूँ और अभी तक आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बर्दाश्त नहीं कर रहे, बर्दाश्त नहीं कह सकते, एंजॉय कर रहे हैं आप सब लोगों का प्यार है। इसके साथ साथ 25 साल से मेरी बीवी भी एक ही है, उसका भी प्यार है, उसकी दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, मेरी इंडस्ट्री के तमाम लोगों की जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से आज तक मुझे इज्जत मिल रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक बात कहूँगा कि इस इवेंट का जो कमाल है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय एक्टर्स ही नहीं है बल्कि उनके साथ पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं, और मेरे ख्याल से जब ये पाकिस्तानी और इंडियन एक्टर्स जब मिलते रहते हैं तो इसका असर आवाम पे भी पड़ता है और आवाम पे भी मोहब्बत बढ़ती है। तो ये इस क्योंकि ना पब्लिक के लिए वो बंदा वैसे ही बहुत बुरा होता है जो उनके क्रश को अच्छा नहीं लगता, जैसे लोगों को एक्टर्स पे क्रश है। टैलेंट से बहुत प्यार करते हैं, मैंने इनकी आंखों में देखा है, इनके दिल में देखा है, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं जब इनके घर पे था तो मेरे शो के जो डायलॉग्स हैं वो मुझे याद नहीं थे, इनको पूरे याद थे। अभी मैं ये कह सकता कि ये डायलॉग सुना दें, मुझे तो अभी भी याद नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा प्लीज एक डायलॉग मेरा सुना। थैंक यू भारती, इफ यू डोंट माइंड। अरे सर, मैं जो हर्ष जैसा लगता है मेरे लिए वही है। आपके साथ I won't take much of your time, but I have to say, you know, with due respect to all our beautiful Bollywood actors and actresses who have been present here, this guy is the pride of Pakistan. Make some noise for him, guys. Yes, he is. My industry career. I'm not sure how many of you have seen his drama, Mere Paas Toh Ho. Agar nahi dekha hai, please jaake dekho. Bahut hit hua tha, bahut zyada. I cannot get bigger than this. जीने दो वो वापस आ जाएगी तो फिर से मर जाऊंगा। ये आपका कोई स्टॉक मार्केट नहीं है, एक बार भाव गिर गया तो सिर्फ गिर गया। सर रुकिए तो सही। अरे सर रुकिए, हुमायूं सर, मैं कब से खूबसूरत लड़की आवाज दे रही हूँ, आपका सारा ध्यान रखी। मेरा दो तीन बार मेरा खाना पीछे लगा और इतना बड़ा सैलेड किसने बिक रहा है, और सच में आदि एकदम ऐसे लग रहे हैं कि पत्ता गोभी को कीड़ा लगा होता है। मेरी राखी बहुत अच्छी लग रही है यार, सारा कपड़ा ही खत्म कर दिया। चलिए सर, मैं तो वैसे भी मैं आज पूरा सर्च किया मैंने आपको, आपकी एक फिल्म थी सर, मैं लंदन नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, वीजा नहीं लगा था या राखी आपकी बनती नहीं थी? मेरी उससे पहले एक फिल्म थी, पंजाब नहीं जाऊँगी। हैं, वो रोक सकता था सर, मैं लेके जाऊँगी कामयाब हो गई,
तो मैं जरा जहाँ बढ़ती हो तो वहाँ पे बच सकते हो। अब तो मैं दलिया, अब तो यहाँ बहुत प्यारी है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हमें बड़ा दिल करता है भाई कि हम पाकिस्तान में जाके खाना खाएं। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी हमें भूख नहीं लगती हम यूट्यूब पे सिर्फ फूड के चैनल लगाकर पाकिस्तान में देखते हैं, और हम चाहते हैं कि हम जाए खुले में घूमो, आप भी आए, आपका भी वेलकम करें। लेकिन आपकी आने वाली फिल्म और सीरियल्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस भाई अब नहीं कहना मैं लंदन नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा नहीं, मैं इंडिया भी जाऊँगा। चलिए देख लेते हैं उसके बाद एक दफा बात करते हैं, बल्कि नहीं पहले बात करते हैं इनके बारे में फिर क्यों ना मैं पूछूं। सो गाइस जैसे इन्होंने भी ड्रामे की बात की थी मेरे पास तुम हो, ठीक है, उसके मतलब डायलॉग्स काफी काफी ज्यादा ऐसे थे जो मतलब बहुत अच्छे थे। और वैसे ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस को यहाँ अवार्ड मिला था तो इन्होंने सिर्फ उनकी बात किया, बट इंडियन एक्ट्रेस जैसे भारतीय है मतलब जहाँ ये होना वहाँ कोई बंदा बच के नहीं जा सकता, ठीक है, और हंसना तो मस्ट होता है ना वहाँ पे, ऐसे तो कोई निकल ही नहीं सकता। सो काफी सारे इंडियन एक्ट्रेस काफी सारे हाँ मतलब ऐसे हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं, और हमारे पाकिस्तान के भी हैं। यहाँ की जो है ड्रामा इंडस्ट्री में हाल से मतलब जो ड्रामा यहाँ के हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं इंडिया के नस्बत, और इंडिया वाले भी इस बात को मानेंगे कि वहाँ के ड्रामे लटक जाते हैं और उस तरह से नहीं होते, लेकिन वहाँ की मूवीज बहुत बेस्ट होती हैं यहाँ की नस्बत। पाकिस्तान की भी तरक्की कर रहे हैं और इंडिया वाले भी हजार एपिसोड नहीं हुए तो एक कम बनाए तो इट विल बी अ फन। So, और हमारे से यहाँ पे बोला भी था ना कि जब मतलब कुछ लोग मिलते हैं तो फिर वहाँ एक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, उनकी वहाँ पे भी जो है वो असर पड़ता है, ऐसा वाकई होता है क्योंकि जो है आवाम ऑब्वियसली इनको पसंद करती है तो फिर उनके लिए वैसे ही बंदा बहुत बुरा हो जाता है जो उनके पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं पसंद होता, क्योंकि वो उनके उनसे एक अटैचमेंट होती है, तो फिर इसलिए तो जो ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए एक्ट्रेस एक्ट्रेस जो भी होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, तो उनको चाहिए कि वो पॉजिटिव वे में एक अच्छी चीज फैलाएं लोगों में प्यार। वैसे ज्यादातर सोशल मीडिया ही और स्पेशली मीडिया तो वो ऐसे बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सारी जो बातें लड़ाई झगड़े ये सियासतदानों पे रहना है तो उनका तो काम है रहते रहना पागलों की तरह बाकी ऐसे यार आराम से रहो, चिल मारो, क्या है। सो अब से जो करते देखते हैं उसके बाद फिर इनके बारे में बात करते हैं। Beautiful people here tonight. All right, the next award is Filmfare Middle East Most Popular Face of Pakistani Cinema. Pakistani cinema is making waves and hurrah across the world, and we're so happy to have so many of the artists here with us this evening. Now, the Filmfare Middle East Most Popular Face of Pakistani Cinema goes to the woman who has taught everyone in Pakistan that Zindagi Kitni Haseen. She looks stunning and her face evokes a million emotions in her fans. We've even seen her in a wonderful movie called Mom. Please give it up for Sajal Ali, ladies and gentlemen. The young heartthrob of Pakistani cinema. Stunning and super talented. Tell me. Very, very good. The debut properties film their movies. Most popular face of Pakistani cinema, Sajal Ali. Yaan sabse bachi lagi. Sari na pehli apni frog pe aayi sakti jaise ko thi baaki ye bachi lagi thi of course. Assalamu alaikum, namaste, adab, everyone. Good evening Dubai. I'm super nervous. I'd like to thank Filmfare for this honor. मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं मुझे कभी ये मौका मिले तो मैं उस एक शख्स का शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी जिन्होंने मुझ पर सबसे पहले यकीन रखा, हु बिलीव्ड इन मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड गेव मी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। दैट वाज प्रोड्यूसर है ना, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, एंजॉय द इवनिंग।
आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन. यू आर पॉपुलर ग्लोबली और जो भी आपके काम को फॉलो करता है वो देखते हैं कि आप बहुत चालू करती हैं और आपने अपने सिनेमा को हर अलग अलग मुल्क में आप रिप्रेजेंट करती हैं. अब आपका पाकिस्तान में तो है ही खूबसूरत घर, बट इफ यू कैन मेक अ होम इन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड वेयर वुड इट बी? इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, भारत में भी हो सकता. जहाँ पे हमें मौका मिलता है हमारे जो भारत में जो लोग हैं, जानवी इज हियर, गोविंदा सर, रणवीर, सो आई थिंक यू नो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर अस टू काइंड ऑफ मिंगल विद यू नो उन लोगों के साथ जो मुल्क से दूर हैं लेकिन देखे बहुत करीब हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. Art has no boundaries. Thank you so much, Sachin, for being here. I'm going to request our presenters to please stay on stage. Adil, Sana, and Nargis, please stay on as we have one more award to give, and that is. So, guys, ये हमारे एक और छोटी sectors थी. Carrie सी. So, एक बात जो समझ नहीं आती कि इंडिया के या बाकी जो एक्टर एक्ट्रेस जो भी हैं, ठीक है, वो जाके मतलब इतने कॉन्फिडेंटली सबके सामने बात कर लेते हैं, ये आके नर्वस क्यों, हमारे यहाँ नर्वस क्यों हो जाते हैं भाई, क्या है, जाओ बात करो, इतने सारे लोग हैं, हम ये तो इतने सारे लोग हैं तो इसीलिए सो अच्छा. जैसे अभी पीछे भी मैंने कहा था कि ये पीछे कहा था, नहीं पीछे नहीं मतलब पहले इधर वीडियो में इधर पीछे ये सोच पे बात करती हूँ कि ये एक्टर एक्ट्रेस जो इनकी लोग ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, तो इनका चाहिए कि ये पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी नहीं फैलाएं, हीरो हीरोइन की बजाय आवाम में ज्यादा प्यार फैलाएं. ये लोग कर सकते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं हीरो हीरोइन को थोड़ा सा मिलना ही होता है भाई, जो मर्जी हो जाए. शर्म कर, तेरे में ड्रामे बंद करानी है. Guys, बहुत कर दोगे. तो बाकी यही है कि इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए और सोशल मीडिया का दौर है तो यहाँ पे लोगों को अच्छी बातें फैलानी चाहिए. वहां में इतना नहीं है ज्यादा यार, वो अच्छे से रहते हैं, कम्प्यूटर जुटे है भी कहीं पे, जो ऐसे छोटी वीडियोज देखी जाती है उनमें नहीं होता, वहां में इतना नहीं है, जितने सियासतदान बना देते हैं तो मुल्कों के दुश्मन, वहां मिलती है तो आराम से मिलती है, प्यार से मिलती है, ऐसी जरा सी बात होती है उससे इतना बड़ा बना के दिखाते हैं, और स्पेशली न्यूज रिपोर्टर मतलब इतनी सारी राय का पहाड़ बनाना कोई इनसे सीखे. और बस बाकी तीलियां लगाते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए टेक केयर, तो याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.